आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि लड़का बहुत पढ़ रहा है। दूसरा विकल्प है कि किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। तीसरा विकल्प है कि आप बहुत ईमानदार हैं। और चौथा विकल्प है कि मेरे घर की छत टपकती है। हमें अभी बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वाक्य जैसे कि किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है में प्रेरणार्थ क्रिया क्या होगा कि किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है कटवा चुका है। इसमें हमारा प्रेरणार्थ क्रिया क्या है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यदि विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प है कि लड़का बहुत पढ़ रहा है, तुम्हारा पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प है कि किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, तुम्हारा दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। विकल्प तीसरा है कि आप बहुत ईमानदार है, तुम्हारा विकल्प तीसरा भी नहीं होगा। विकल्प चौथा है कि मेरे घर की छत टपकती है, तुम्हारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अर्थात केवल और केवल जो हमारा विकल्प दूसरा है वो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।